देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुरेश जी ने। तो सबसे पहले सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ट्रेन के सफर में कभी भी कहीं भी और किसी से भी मुलाकात हो सकती है। उस पहले हादसे के बाद मैं अब थोड़ा सजग हो गया था, मगर शायद अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। ऐसे ही एक रात जब मैं ट्रेन में था तो ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर पहले ही रुक गई। मैं उस वक्त ट्रेन के गेट पर ही खड़ा था, तभी एक बच्चा भागता हुआ नजर आया जो पानी बेच रहा था। वो बच्चा सीधे मेरे पास आया और बोला, भैया पानी चाहिए? बिल्कुल ठंडा है। मैं ये देखकर हैरान था कि अभी रात के 1 बज रहे हैं और ये जगह स्टेशन से काफी पीछे है, फिर भी बिना डरे ये बच्चा पानी बेच रहा है। मैंने उससे पानी की बोतल खरीदते हुए पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने अभी इतना पूछा ही था कि ट्रेन खुल गई और वो बच्चा भी वहां से चला गया। फिर स्टेशन पर कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन खुली और फिर एक बार स्टेशन से दूर जाकर ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही मैं फिर बोगी के गेट पर जाकर खड़ा हो गया था। मैं अभी गेट पर खड़ा हुआ ही था कि मुझे ट्रेन के बाहर से एक आवाज आई, नहीं आप मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि वही बच्चा ट्रेन के बाहर खड़े हुए मुस्कुरा रहा है। मैं उस बच्चे को वहां देखकर चौंक गया। अभी मैं उस बच्चे से पूछने ही वाला था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? S11 में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चलो। मैं ये सुनते ही अपने साथी के साथ S11 के बोगी की तरफ बढ़ा। S11 की ओर जाते हुए मेरे साथी ने कहा, रात के वक्त यूं बोगी के गेट पर खड़ा मत हुआ करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस पर मैंने उनसे पूछा, क्या हो सकता है? वो मुझसे काफी पुराने थे और उन्हें इस रूट पर काम करते हुए काफी वक्त भी बीत चुका था, जिस वजह से उन्हें काफी कुछ मालूम था इस रास्ते के बारे में। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस रास्ते पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको लगेगा कि ट्रेन रुक गई है, मगर ट्रेन चलती ही रहती है और गेट के पास खड़े यात्री ट्रेन को रुका हुआ समझकर चलती ट्रेन से उतर जाते हैं, जिनमें उनकी मौत हो जाती है। कुछ जगहों पर तो एक बच्चा पानी बेचता हुआ नजर आता है। अगर आपने उस बच्चे से पानी खरीद लिया तो वो बच्चा फिर आपके पीछे पड़ जाता है, फिर वो बच्चा आपको हर जगह दिखाई देगा जब तक कि वो आपको मार ना दे। ये सुनने के बाद मैं एकदम से घबरा गया। मेरे बदले हुए चेहरे के रंग को देखते हुए वो बोले, अब तुम ये नहीं कहना कि तुम्हें भी वो बच्चा दिखा? इस पर मैंने अपना सिर हामे हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ दिखा भी, और उससे पानी की बोतल भी खरीदी, और वो मेरे पीछे भी यहाँ तक आ गया है। ये सुनते ही वो अपना सिर पकड़ते हुए वहीं बैठ गए। फिर वो कुछ सोचने के बाद उन्होंने मुझे बोगी के अपर सीट पर बिठाने के बाद कहा, अब तुम आंखें बंद करके सो जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। अगर आंखें खुल भी जाएं तो आसपास जो भी उस वक्त तुम्हें दिखाई दे उस पर विश्वास मत करना। तुम चुपचाप बस इस बर्थ से चिपके ही रहना जब तक ये धागा जो मैं तुम्हारे हाथ पर बांध रहा हूँ टूटकर गिर ना जाए। ये बोलकर वो मुझे उस बर्थ पर अकेले ही छोड़कर चले गए। उनके जाते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर भी हाथ रख लिया ताकि मुझे कुछ भी सुनाई ना दे। अभी मुझे लेटे हुए कुछ देर हुई थी कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे मैं एकदम से उठकर बैठ गया। जब मैंने आसपास देखा तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, मतलब कुछ ज्यादा ही अंधेरा। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर वहां बहुत से लोग थे जिन्हें मैं महसूस कर पा रहा था। कभी कोई मेरे सर को हाथ लगाता तो कभी कोई मेरा हाथ पकड़कर झटके से खींच देता। वैसे तो मैं अब तक अधमरा सा हो गया था, मगर मैं किसी तरह से
अपनी जगह पर बना रहा और धीरे धीरे वो अंधेरा छूटने लगा था और माहौल भी अब शांत होने लगा था। सुबह तक सब कुछ सामान्य हो गया। जब मैंने अपने हाथ की ओर देखा तो पाया कि वो धागा भी अब हाथ में नहीं है। तभी वो मेरे साथी भी मेरे पास आ गए और मुझे देखकर सभी मुस्कुराए। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें लगा नहीं था कि मैं बचूंगा, मगर मेरी हिम्मत और किस्मत के कारण ही इस मुसीबत से बच पाया। मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन पर शायद ही कोई विश्वास करे, मगर मैं उन घटनाओं के कारण औरों के मुकाबले ज्यादा हिम्मत वाला बन गया, क्योंकि बुरे वक्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये सब सीखने को मिला। दोस्तों, सुरेश जी के साथ ऐसी ही और भी घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र उन्होंने हमारे साथ किया है। मैं आपका दोस्त राजकुमार उनकी सभी घटनाओं को एक एक करके आपके सामने पेश करता रहूंगा। और अगर आप उनकी पहली घटना के बारे में नहीं जानते हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।